अभी मैं यहाँ पे तावा ला रहा हूँ, यही तावा सेट कर रहा है मेरे को यहाँ पे। और दोस्तों क्या हाल चाल, मस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मस्त है, मस्त है। भाभी जी बोलते हैं मस्त है। तो अभी विक्रम भैया के यहाँ आए हैं, देखिए पानी पूरी बेल रहे हैं, तो इनकी बुकिंग है आज, तो यहीं आगे भाई सुबह से लेटा हुआ हूँ, कुछ काम होगा तो देखते हैं अभी। और अभी देखो बताओ, अभी इतना देर हो गया, अभी पानी पूरी बेल रहे हैं मशीन से फटाफट, जल्दी हो ही गया लगभग, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो शाम को 5 बजे के आसपास जाएंगे बुकिंग में। और चाट फुल्की और चाउमीन सोया चिल्ली है, तो सोया चिल्ली तो अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। सोया चिल्ली मान लो फूल चुकी है, पानी में डाल दिया उसको, 5 किलो के आसपास सोया है, 5 किलो के आसपास सोया है। तो देखिए यहाँ पे मटर उबालने के लिए रखे हैं, मतलब फूलने के लिए, यही 4-5 किलो मटर ये भी है। 500 आदमी का बुकिंग है, तो 5 किलो मटर मतलब अंदाज लगता है हम लोग कैसे, ये 5 किलो सोया भी फुलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए गाजर को भी काट लिए हैं, और यहाँ पर शिमला को भी काट लिए हैं, और इधर शिमला काट रहा है लाला, और उस तरफ मैंने पत्ता काट रहा था। ये देखिए इतने सारे डंठल पड़े हुए हैं पत्ता के, ये देखो। लेकिन ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे कम है काटने का, यहाँ भाई साहब को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ना स्लो स्लो काट रहा था। ये देखिए पत्ता ले लिया, सबसे पहले इसके डंठल काट देते हैं ऐसे करके, अब इसको बीच से काट देते हैं। अब भाई मेरे को एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, इसीलिए ये देखो ऐसा काटा हूँ मैं, थोड़ा सा मेरा मोटा है और इनका थोड़ा सा एकदम बारीक है। चलो जैसा भी है भाई काट रहा हूँ मैं भी। तो भाई साहब इतना सारा काट लिए हैं, आधा शायद हो गया, अभी आधा इसमें और बाकी है। लाला क्या काटने जा रहा है? अदरक और लहसुन। लाला जा रहा है अदरक और लहसुन काटने के लिए। तो फाइनली दोस्तों पत्ता कट चुका है, देखिए 12-13 किलो के आसपास है क्वान्टिटी, देखिए। और बाकी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, अब इसको ना बोरी में भर के रख दिया जाएगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अभी 5:30 बज गए हैं, और ये लाला देखिए बोतल लगा रहा है यहाँ पे। मैं नहा धोकर घर से आ गया, और अभी गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं, बस सामान पूरा रेडी हो गया है, गाड़ी आ जाए उसके बाद चलेंगे। लाला लाल क्या है हाल? सब बढ़िया हाल है। तो अभी सामान वगैरह पूरा उठा लेते हैं। ये देखिए चाउमीन बन के रेडी हो गया है, टेम्पू वाला बस आ ही रहा है, लेट हो गया हल्का सा उसको, लेकिन क्या करोगे भैया, भी सिलेंडर ले आए। ये शिमला मिर्च वगैरह सब काट के रखे थे पहले से ही, अब वहाँ जाए बस सामान लोड करने में तकरीबन वही 5-10 मिनट लगेगा, और वहाँ सेट करने में आधा घंटा लगेगा मुश्किल से, जल्दी हो जाएगा सब। हाँ सामान यहाँ पे रख दिए हैं, ये देखिए इतनी सारी पानी पूरी है, तकरीबन 1500 के आसपास है। तो अभी टेम्पू वाला तो आया नहीं है, बस मूँगफली लाया था, मूँगफली खा रहे हैं। यह बोलता है 15-20 मिनट लगेगा, पूरा सामान सेट करके हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं। आएगा आएगा आएगा, बहुत लेट कर दिए बाबूलाल चने की दाल, लात खवाने वाला काम कर दिया आज, एक घंटा लेट हो गया कम से कम गाड़ी आज। लीजिए फटाफट से खोलते हैं और रखते हैं हम सामान वगैरह को। सब सामान हो गया लगभग मेरे ख्याल से, अब और कुछ सामान बचा कि हो गया? हो गया, थोड़ा मोड़ा चेक कर लेते हैं। और तो दोस्तों सब सामान लोड हो गया है, और मैं बाइक से जाऊंगा, हो सकता है मैं जल्दी आ जाऊं, क्योंकि डुडू और डुडू की मम्मी घर में अकेली हैं। ये सामान तो हो गया इधर, लेकिन दही लाना है, दही रास्ते में मैं ले लूँगा। कितना किलो दही? 50-50 का दो पन्नी खुला नहीं है? खुला है लाला इसका 100 रुपये का, 1.25 किलो। भाभी खुला है? नहीं भैया खुला है। कहा भाभी कहा कीचड़ लेके घूम रहे हैं आप भैया? तो अभी डेयरी में आ गया हूँ दही लेने के लिए, 50-50 रुपए का दो जगह दही दे देना, एकदम कड़क ना, जिसे मैं पानी मिला सकूँ अच्छा से, मतलब नहीं मिलाऊंगा, मजाक कर रहा था। साइड से दीजिएगा, लेकिन खाली दही दही ना, पानी मत दीजिएगा, पानी फ्री मिलता है। तो भाई साहब अभी लोकेशन पे आ चुके हैं, और सामान निकाल के ले जा रहे हैं बस धीरे धीरे करके। आधा सामान तो पहुँच गया, बस ज़्यादा नहीं बचा है, इतना सारा बचा है। ये प्याज ले जाता हूँ अभी। अंदर का डेकोरेशन कुछ इस प्रकार से है। डीजे बजेगा ना भैया? भैया डीजे बजेगा ना? एकदम कम आवाज़ में ना, थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा इसीलिए। साउंड बढ़ा देंगे ना, फिर नॉइज आएगी। और आलू पूरी यहीं पे ले आए हैं, आलू अभी नहीं छीले हैं, मतलब यहीं करके छीलेंगे, गर्मी के चक्कर में ऐसा होता है, गर्मी रहती है ना तो आलू छीलते नहीं हैं,
यहीं पार्टी में ही आगे छिलते हैं, थोड़ी देर तो लगेगा 5 मिनट और पूरे छिल जाएंगे। ये रहा दोस्तों हम लोगों का टेबल पूरा, और मैंने सोचा था कि देर हो गई, देखो अभी तक कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन आदत है, देखो कहीं भी बुकिंग होती है ना तो घर वाले जल्दी ही बुला लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग का भी रेडी करने में कम से कम 15 मिनट लगेगा। पानी वगैरह बांध के तो ये रेडी हो गया, ये देखो चटनी वगैरह सब आ गया है, तो अभी रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे सिल्वर फॉइल वगैरह लगा दिए हैं। अब इसे कढ़ाई कहाँ है ये वाला, अभी कढ़ाई सेट कर दिया हूँ, कढ़ाई साफ़ कर दे रहा हूँ, और यहाँ धनिया पत्ती का पानी पूरी का पानी टंकी कहाँ रखना है उस साइड में, पानी पूरी सबसे उस साइड में रहेगा, और यहाँ पे बनेगा चाउमीन और यहाँ पे रहेगा चाट का तवा, वही 10 मिनट के आसपास लगेगा सेट करने में, फिर सेट हो जाएगा सारा सामान। तो ये देखिए यहाँ पत्ता इतना सारा हम लोग काटे थे दोपहर को, और अभी तक देखो फ्रेश है, खराब नहीं हुआ, क्योंकि ना इसको हम बोरी में भर के ढाक के प्लास्टिक में लगा के रख दिए थे। अब यहाँ पे देखो पत्ता पूरा सेट कर दिया जाएगा, प्याज काट दिए हैं, प्याज लेकिन ये वाला ना भाई, मैं यहाँ पे छिल रहा था और भैया काट रहे थे, आंसू निकल दिया, नहीं ये देखो नाक भाग गया। यहाँ पे शिमला मिर्च और गाजर को डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग पत्ता के ऊपर, तो ऐसा ना काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखिए पत्ता लगा दिए हैं और शिमला मिर्च लगा दिए, और उसके बाद बीच में गाजर, अब प्याज वगैरह को और छल्लेदार प्याज काट रहे हैं, खाएगी मैं सोया चिल्ली में ना छल्लेदार प्याज ही यूज़ होता है। अभी मैं यहाँ पे तावा ला रहा हूँ, यही तावा सेट कर रहा है मेरे को, यहाँ पे तावा लगा दिया भाई, अब इसको साफ़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, टिक्की वगैरह वहाँ पे बना रहा है, टिक्की सेक के ना पूरा तावा में सेट कर देंगे अच्छी तरीके से, फिर चाट बनाना रेडी करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे गैस चालू कर दिया हूँ और अभी तेल डाल रहा हूँ, फिलहाल क्या है ना 2-4-5 मिनट तावा को ना पकाना पड़ेगा, ताकि टिकिया इसमें जलेगा नहीं, क्योंकि तावा के जब अच्छे तरीके से पका दूंगा ना तो टिकिया चिपकेगा नहीं, अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, 5 मिनट इसको गर्म करना पड़ेगा, और टिकिया यहाँ चुकी है, लाइन से फ्राई करके सारे तरफ लगा दूंगा। अभी खाना पीना वहाँ लगना स्टार्ट हो गया है और लोग भी आना स्टार्ट हो गए हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ पानी पूरी वगैरह सेटअप करते हैं थोड़ी देर में तुरंत, आप लगाइए टंकी वगैरह लगा लीजिए ना उधर पूरा। तो अभी टिकिया सेक दिया हूँ, टमाटर भी रखा गया है, और थोड़ा मोटा धनिया पत्ती काट के ना उसके ऊपर डेकोरेट कर देता हूँ बस, तो डेकोरेट कर दी इधर, और इधर पूरा सेटअप लग चुका है, देखिए चाउमीन बनेगा यहाँ पे, और इसमें बनेगा सोया चिल्ली, दो चीज़ बनेगा इधर, यहाँ पे चाट है और उस तरफ फुल्की का सेटअप है, और जो टेबल है ना भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा है। चलिए तो अभी दोस्तों लकड़ी की चम्मच खोल देता हूँ, यहाँ पे सजा के रख दूँगा, लेकिन एक मिनट ना, एक खाना वाला प्लेट ले आया हूँ, इसमें ना लगा के रखूँगा तो सही लगेगा थोड़ा सा, क्या है ना इसमें ना इधर उधर जाएगा नहीं कहीं, और खुला रखा रहता ना तो इधर उधर भागने लगता, जैसा भी होता एक गड्डी पूरा खोल देता हूँ। और भैया तो अभी बच्चे तो आने लगे हैं, वही पूछना पड़ेगा कि स्टार्ट करना है कि नहीं, अब भैया पूछने गए हैं, ये रहे। तो यहाँ पे चाट बनाना मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, प्याज डाल दिया सबसे पहले, तो अरे यहाँ पे भैया देख सकते हैं आप लोग चाउमीन बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से ना गैस बढ़ाना पड़ेगा मेरे को हल्का सा, कितनी डालें कितनी, थोड़ा सा मिर्ची का पेस्ट भी डाल देता हूँ इसमें, डाल लीजिए डाल लीजिए डाल लीजिए डाल लीजिए सारा कुछ, चाहे मैं जिसको दही खाना है दही खाएगा, जिसको मीठा खाना है मीठा खाएगा अपने हिसाब से पूरा। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए पानी पूरी खिलाने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, और पानी पूरी ये खिला रहा है, एक गाड़ी भी चलाता है और पानी पूरी भी खिलाता है, दोनों काम हो जाता है। दोना कहाँ है, दोना नहीं है, दोना यहाँ नीचे रखा है, कहाँ गया यार, ये लीजिए दोना भैया। अभी लाला ने चाट बनाना स्टार्ट कर दिया है, और विक्रम भैया तो अभी सोया चिल्ली बना रहे हैं, लेकिन यहाँ भीड़ है, खाने में कम भीड़ है यहाँ ज़्यादा भीड़ है, सही है। अरे इसको फुल्की खिला देना डीजे वाले को, छोटो पता नहीं भाई सॉरी नाम कह दे रहा है, सूरज डीजे वाले को फुल्की खिला देना।
धन्यवाद भैया। सामने जाके खाना ना, इधर से नहीं। पक्का ना? लाला यहाँ पे चाट बना रहा है कंटिन्यू, और विक्रम भैया दो बार चाउमीन बना चुके, अब ये दूसरा बार ना भी सोया चिली बनाना है। स्पीड एक्स्ट्रा लगी है। और लाला जी यहाँ पे चाट बनाना है, फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा। दो बार लाला बनाता है, एक बार मैं बनाता हूँ, फिर वो बनाता है, फिर मैं। दही मिठाई डाल दीजिएगा ना वहाँ से। तो भाई खिलाते खिलाते प्यास लग गई, इसमें पानी भरने आया हूँ, इसमें डाल देना जग से। तो भाई पानी पियो, दो मिनट का रेस्ट लेके पानी पियो, पानी ठंडा पानी लो, फटाक से पियो पानी। पानी पीना है, मैं खिलाऊं, पानी उन्हें पीना है। तो यहाँ पे हम लोग साहू जी एकदम एक्सपेक्टेड नहीं थे भाई, तू भी आ गया यहाँ, बताया गया है नहीं मेरे को, पता कि आप यहाँ आ रहे हैं। मैं बताया ना तेरे को, एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आज, तो यहाँ आ रहे हैं। मेरे को ये थोड़ी पता, मेरे को भी थोड़ी पता था भाई तू भी आएगा। ले फुल्की खावा, ए फुल्की खा, खाना खा लिया अकेले अकेले। राम से राम से राम से। मैं यहाँ चाट बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, लाला वहाँ पे आलू छिल रहा है, चाट बना रहा हूँ। कल टाइम भाई 10 बज गया है और घर से फोन आने लगा भाई, तो मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पे चाउमीन खा लूँ थोड़ा सा। थोड़ा सा भैया मेरे को भी दे देना, ये देखो मेरे को ना फटाक से मिल जाता है भाई। अब इसका चम्मच ले लूँ मैं, अभी आ गया मैं खाना खाने, लेकिन सलाद का तो कुछ पता ही नहीं है भाई। शुरू में नींबू वगैरह सब था, अभी 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 प्याज तक नहीं है, पूरी भी खत्म हो गया। भैया चावल दे दो थोड़ा सा। भैया इसमें भी दे दीजिए, चम्मच दे दो यार सब इसमें दीजिए ना भैया। खत्म हो गया है, चावल मिला है बस थोड़ा सा। दाल भी बचा है, तो दाल थोड़ी पियोगे भैया आप भी यार, लीजिए। आप तो अंदर से ले रहे हैं, आपको ज्यादा सामान मिल गया। पता नहीं आए कुछ है भी कि नहीं भाई। पनीर का सब्जी मिला है, दाल और चावल मिला है बस। हाय भैया पूरी कुछ नहीं मिला खाने को, मेरे को मिल भी गया, खा ली इसी में से। दाल चावल और पनीर का सब्जी मिला है, इसे खा के निकलता हूँ भाई। भैया लोगों को नहीं मिला, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो खाना तो खा लिया भाई, सोचा था एक आध दो गुलाब जामुन घर ले जाऊंगा, लेकिन गुलाब जामुन भी नहीं था भाई। चाउमीन ले जाता हूँ घर, चाउमीन पैक कर देंगे एक आध दो ना। तो भाई चाउमीन तो ले लिया मैं, अब मैं निकलता हूँ घर, रात के 10 बज गए हैं। साइड दे दो, बाइक मैंने अंदर लगा दी थी ताकि सिक्योर रहे भाई। वो देखो कितनी अंदर लगा दी, पहले यहीं पे खड़ी थी, उसके बाद मैंने इधर खड़ी कर दी। अब घर आ गया हूँ, ये चाउमीन लाया हूँ लड्डू के लिए, लो बट खा लो। तो चलिए दोस्तों, वहां से मैं आ गया था और बहुत दिनों के बाद पार्टी व्लॉग बनाया, और बहुत दिनों बाद पार्टी में गया भी था। आई होप आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तो प्लीज लाइक कर देना अगर यहाँ तक देख लिए हो।
कम से कम 1500 लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, बाय बाय।